फाइनली दोस्तों द फेम गेम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुका है और दोस्तों वो ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है कि वो नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर वन पर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें नजर आई हैं माधुरी दीक्षित, जो कि काफी लंबे समय बाद और पहली बार ओटीटी सीरीज में नजर आई हैं और जिन्होंने एक फेमस एक्ट्रेस का रोल इसमें निभाया है। वही दोस्तों, इस सीजन वन के रिलीज होते ही सीजन टू के कई सारे एंगल छूट जाते हैं और कई सारे सवालों के जवाब अब भी बाकी रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे कि क्या इसका सीजन टू आने वाला है या नहीं, और आ रहा है तो कब तक आ रहा है। तो दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि अगर आपने इसका सीजन वन नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाकर पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद ही आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए। वही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या इसका सीजन टू आने वाला है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस एंगल पर इस सीजन को खत्म किया गया है दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, इस वेब सीरीज में माधुरी दीक्षित यानी कि अनामिका आनंद किडनैप हो जाती है, लेकिन वो अभी तक सबके सामने नहीं आती है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें अनामिका की बेटी अमारा के फ्यूचर का भी क्या होगा और माधव की लव लाइफ का भी क्या होगा, ये भी दोस्तों अभी तक पता नहीं चला है। तो दोस्तों, यही सारे सवालों के जवाब आपको सीजन टू में भी देखने को मिलने वाले हैं। वही दोस्तों, बात करें कि सीजन टू आ रहा है या नहीं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीजन टू वाकई कंफर्म आने वाला है। जी हां दोस्तों, सोर्सेस से पता चला है कि मेकर्स इसके सीजन टू का भी प्लान बना रहे हैं। वही दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके क्रिएटर श्री राव ने एक इंटरव्यू में इस बात का हिंट भी दिया है कि इसकी सीजन टू के बनाने की कई सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है। वही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टार कास्ट अपडेट के बारे में कि क्या इसकी सीजन टू में स्टार कास्ट होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेकर्स ने अभी तक कोई भी सीजन टू की ऑफिशियली स्टार कास्ट अपडेट नहीं की है। हालांकि मेन स्टार कास्ट वही होने वाली है और कुछ नए साइड कैरेक्टर्स को जरूर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दोस्तों, माधुरी दीक्षित ने सीजन वन में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है, साथ में संजय कपूर और मानव कौल ने भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। हालांकि मानव कौल का रोल इसमें यही तक था, सीजन टू में उनका रोल हमें इसमें नहीं देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि इसका सीजन टू हमें कब तक देखने को मिलने वाला है और इसका स्टेटस अभी तक का क्या रहा है। तो दोस्तों, सोर्सेस से पता चला है कि अभी सीजन टू का काम प्री प्रोडक्शन स्टेज में है, यानी कि मेकर्स अभी राइटिंग और स्टार कास्ट अपडेट पर काम कर रहे हैं। जैसे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और आपको इसका सीजन टू 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे 2024 के पहले क्वार्टर यानी कि जनवरी या फरवरी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप द फेम गेम सीजन टू के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, और अगर आप माधुरी दीक्षित के डाई हार्ट फैन हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।